दोस्तों, यह है कर्नाटक राज्य में स्थित मैसूर शहर, जो अपने ऐतिहासिक महलों, अनोखे और विशाल मंदिरों, भव्य इमारतों, वन्य जीव अभयारण्य और कई सारे प्राकृतिक और कृत्रिम बगीचों का घर है। जहाँ के दर्शनीय स्थल और इसकी सांस्कृतिक विरासत पूरे साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप सभी को बता दें कि द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से मशहूर यह शहर सिर्फ अपने पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि कई सारी कलाकृतियों, पेंटिंग्स और अपने हस्तशिल्प की वजह से भी पूरी दुनिया भर में विख्यात है। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम सब मिलकर जानेंगे मैसूर के शाही विरासतों में 15 सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रेवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मैसूर के पर्यटन स्थलों के एक शानदार सफर पर। इस तरह के 15 सबसे टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में 15वें नंबर पर आता है करंजी लेक, जिसे यहाँ पर फाउंटेन लेक यानी फव्वारा झील भी कहा जाता है। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस झील में आपको बगुले, एशियाई ऑफनिबल स्टॉर, ग्रे पेलिकन, इंडियन पीकॉक, हिरोन और कॉमोरेंट सहित 147 पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिसके कारण इस करंजी लेक को देश के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी सालों में से एक माना गया है। 90 हेक्टेयर की भूमि पर विस्तृत इस झील को टोटल 3.8 मिलियन रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया है, जिसका नियंत्रण मैसूर जू अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। 14वें नंबर पर आता है मैसूर शहर में स्थित कृष्णा सागर बांध के समीप बसा वृंदावन गार्डन, जिसे सर मिर्जा इस्माइल ने 1932 ईस्वी में कश्मीर में स्थित शालीमार उद्यान के तर्ज पर बनाया था। 60 एकड़ की भूमि पर फैले इस बगीचे में आप बोटिंग, म्यूजिक, नाइट फाउंटेन लाइट शो और फ्लावर बेड जैसी कई सारी एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं, जिसे देखने और एक्सप्लोर करने प्रत्येक साल 20 लाख से भी अधिक पर्यटक यहाँ पहुँचते। 13वें नंबर पर आता है शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर मैसूर किले के बाहर स्थित त्रिनेश्वर स्वामी मंदिर, जो त्रिनेत्र स्वामी भगवान शिव को समर्पित है। वाडियार राजाओं के शासनकाल में बने इस मंदिर में द्रविड़न वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है, जहां पर दर्शन करने प्रत्येक दिन हजारों लोग पहुंचते हैं। 12वें नंबर पर आता है मैसूर शहर में मौजूद केआरएस डैम, जिसे कृष्णराज सागर बांध भी कहा जाता है। कावेरी, हेमवती और लक्ष्मणदीप नदियों के संगम के ठीक नीचे बने इस डैम को वाडियार राजा कृष्णराज चतुर्थ ने गंभीर अकाल के दौरान बनवाया था, जिसके नाम पर इसे कृष्णराज सागर बांध के नाम से जाना जाता है। 11वें नंबर आता है भारतीय रेलवे के द्वारा सन 1979 में बनाया गया मैसूर रेलवे म्यूजियम, जहां पर लोकोमोटिव इंजन और इंडियन रेलवे में हुए डेवलपमेंट को चरणबद्ध तरीके से एकत्रित कर दिखाया गया है। इसके अलावा इस रेलवे म्यूजियम में आप भाप इंजन, पुराने रेल लैंप, रेलवे क्लॉक और ऑस्टिन रेलवे कार जैसी कई सारी पुरानी स्मृतियों को भी देख सकते हैं। 10वें नंबर पर आता है मैसूर शहर में मौजूद एशिया के सबसे ऊंचे चर्चों में से एक सेंट फिलोमेना कैथेड्रल चर्च, जिसकी वास्तुकला जर्मनी के कोलन कैथेड्रल चर्च से प्रेरित होकर बनाई गई है। इस कैथोलिक चर्च का सर्वप्रथम निर्माण वाडियार राजा मुम्मदी कृष्ण राज ने 1843 ईस्वी में करवाया था, लेकिन बाद में 1936 ईस्वी को इसे जर्मन वास्तुकार डेली के द्वारा कोलन कैथेड्रल चर्च के नियो गोथिक स्टाइल में परिवर्तित कर दिया गया था। 9वें नंबर पर हमने रखा है मैसूर शहर में मौजूद यहाँ के चिड़ियाघर को, जिसे मैसूर जू, पैलेस जू और चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन जैसे कई सारे नामों से भी बुलाया जाता है। 157 एकड़ की भूमि पर फैले इस चिड़ियाघर को दुनिया के सबसे पुराने पक्षीशालों में से एक रखा गया है, जहाँ पर 168 से भी अधिक पक्षियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां देखने को मिलती है। 8वें नंबर पर आता है मैसूर शहर से 16 किलोमीटर और श्रीरंगपट्टनम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रंगन टीटू पक्षी अभयारण्य, जो कुल 40 एकड़ की जमीन पर फैले इसे राज्य के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्यों में से एक माना जाता है। कावेरी नदी के तट पर 6 टापों में विभाजित इस पक्षी अभयारण्य को 15 फरवरी 2022 को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, जिसे भारत के सबसे बड़े जल पक्षी आवास के संरक्षण के लिए बनाया गया था। 7वें नंबर पर आता है इस तरह मौजूद ललिता महल पैलेस, जिसे मैसूर के महाराजा ने अतिथि और भारत के वायसराय की मेजबानी के लिए बनवाया था। यह महल अब भारत के सबसे भव्य होटलों में से एक है, जो बगीचों, स्तंभों, प्राकृतिक परिदृश्य और गुंबदों के कारण यह एक राजसी जीवन का अनुभव प्रदान करता है। 6वें नंबर पर आता है मैसूर शहर से महज 200 मीटर की दूरी पर मैसूर पैलेस के पश्चिम में स्थित श्री जय चामराजेंद्र आर्ट गैलरी, जिसे आमतौर पर जगन मोहन ऑडिटोरियम के नाम से भी जाना जाता है। 1861 में बनकर तैयार हुए शाही महल को उसमें पारंपरिक हिंदू शैली में बनाकर तैयार किया गया था, जहां पर अभी इस कला संग्रहालय में पेंटिंग, हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के परिदृश्य, मैसूर राजाओं का चित्रण और लेडी विद लैम्प जैसी कई सारी मूर्तियों को बहुत ही सहज तरीके से सुरक्षित रखा गया है। 5वें नंबर पर आता है मैसूर शहर से 35 किलोमीटर और राज्य की राजधानी बेंगलोर से 137 किलोमीटर की दूरी पर सोमनाथपुरा विलेज में स्थित प्रसन्ना चेन्ना केशव मंदिर, इसे सोमनाथपुरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सन 1268 ईस्वी में होयसल राजा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ द्वारा कावेरी नदी के तट पर इस विष्णु मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि होयसल वास्तुकला की गहरी प्रतिभा, भव्यता और जटिल वास्तुशिल्प कौशल को दिखाने के लिए बनाया गया था, जहां पर इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर मौजूद पत्थरों के शिलालेखों पर इस मंदिर के सारे इतिहास वर्णित हैं। 14वें नंबर पर आता है मैसूर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम में मौजूद टीपू सुल्तान समर पैलेस, जिसे दरिया दौलत बाग भी कहा जाता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों राजाओं के द्वारा बनाए गए इस महल के चारों ओर बड़े बड़े विशाल उद्यान मौजूद है, जिसके आंतरिक हिस्से में ऐतिहासिक घटनाओं और युद्धों को प्रदर्शित करने वाले चित्रों और पुष्प रूपांकनों को अच्छी तरह से सजाकर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ पर मैसूर सुल्तान और उनके परिवारों के द्वारा इस्तेमाल किए गए कलाकृतियों, कपड़ों, सिक्कों, हथियार, चांदी के बर्तन और मुकुटों को भी रखा गया है। 3रे नंबर पर आता है मैसूर शहर से
14 किलोमीटर की दूरी पर मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में मौजूद रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो हिंदू भगवान विष्णु के 24 रूपों में से एक रंगनाथ भगवान को समर्पित है। दक्षिण भारत के पंच रंगों में से एक यह मंदिर वैष्णववाद के 5 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे 894 एडी में विजयनगर और होयसल वास्तुकला की शैली में बनाकर तैयार किया गया था। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि श्रीरंगपट्टनम शहर का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर आता है मैसूर शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडी हिल्स में बसा माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, जिसे देवी दुर्गा के उग्र रूप शक्ति के नाम पर रखा गया है। इस ऐतिहासिक मंदिर को यहाँ के स्थानीय लोग नाडा देवी के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है राज की कुल देवी। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र तल से 3300 फीट की ऊंचाई पर बसे इस पहाड़ी की चोटी पर ही देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद से ही इस स्थान को मैसूर फिर मैसूर और बाद में कन्नड़ भाषा में इसे मैसूर नाम दिया गया। साथ ही देवी चामुंडेश्वरी मंदिर भारत के कुल 51 शक्ति पीठों में से एक है, जिसे क्रौंची पीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता सती के बाल गिरे थे। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, जबकि इसके गोपुरम और यहाँ के नंदी की मूर्ति को 17वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। इस मंदिर परिसर में नवरात्रि, अम्मानवारा वर्धंती, आषाढ़ शुक्रवार और चामुंडी जयंती जैसे त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिस पर हजारों लाखों लोग शिरकत करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ के नाडा हब्बा यानी मैसूर दशहरा को यहाँ के राजकीय त्यौहार होने का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पर आता है इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल मैसूर पैलेस, जिसे अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। चामुंडी हिल्स के पश्चिमी हिस्से में बसा यह शाही महल इसमें वाडिया राजाओं और मैसूर शासकों का आधिकारिक निवास स्थान हुआ करता था, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाकर तैयार किया गया था। इस महल परिसर में कई बार आग लगी और फिर इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया, क्योंकि पुराना महल सिर्फ लकड़ी से बनकर तैयार हुआ था, जबकि वर्तमान समय में इसे पत्थर, ईंट और लकड़ी तीनों से मिलाकर तैयार किया गया है। ताजमहल के बाद मैसूर पैलेस भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षणों में से एक है, जहां सालाना 60 लाख से भी अधिक पर्यटक इसे देखने और घूमने के लिए पहुंचते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।